के सैनी जी जो कहते हैं वो करते हैं, बिना शर्त गठबंधन होगा, बिना शर्त गठबंधन होगा बीजेपी से। हमको भी इतना बिलीव नहीं था कि उतना बिलीव में जो है वो आगे। चर्चा तो वीआईपी का जितना चर्चा है देश भर में, रक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। गूगल में सबसे ज्यादा ट्रेंड करने वाली वीआईपी पार्टी, किस तरह से भीड़ जुट रही है, उस भीड़ का कोई तुलना नहीं किया जा सकता है। नमस्कार, आप जुड़ गए हैं बोले भारत से और मैं हूँ कुमार मनीष। हमारे साथ वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति हैं। स्वागत है आपका बोले भारत में। नमस्कार। बिहार की बड़ी बड़ी पार्टियाँ अपना ठिकाना बना ली है, अपना जगह ढूंढ ली है, पर आपके नेता जी अभी कुछ चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्या बात है? किस चीज़ का चर्चा? गठबंधन चर्चा तो वीआईपी का जितना चर्चा है देश भर में, उतना चर्चा तो मुझे नहीं लगता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का। चर्चा करने का मतलब गठबंधन जो है, देखिए एक तरफ चिराग पासवान, वो नारा उपेंद्र कुशवाहा नारा जो है, जब हमारे नेता ने कह दिया आदरणीय सनत मल्ला मुकेश सहनी जी कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। अब आरक्षण की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जो आरक्षण देगा, जो आरक्षण की बात करेगा वो वीआईपी का सबसे अच्छा दोस्त है। एक तरफ आपका उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीतनराम मांझी अपना असियाना ढूंढ लिए हैं, और एक तरफ आपके नेता, कहीं देर नहीं हो रही है गठबंधन में? देखिए, वो उन लोगों का पॉलिटिकल पार्टी अलग है, उन लोगों का जो राजनीति करने का जो धारा है वो अलग है। ठीक है, आदरणीय जीतनराम मांझी जी को हम लोग सम्मान करते हैं, और आदरणीय जीतनराम मांझी जी जब तक इस जिंदा भी रहेंगे तब तक हमारी पार्टी भी उनको सम्मान करती है और आगे भी करेगी। उसमें जीतनराम मांझी जी का कोई इपा टिप्पणी हम लोग करने का कभी सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन निषाद आरक्षण की जो आज लड़ाई है, आज लड़ाई टूल पे है। जिस तरह से जन सैलाब उभर रहा है, जिस तरह से आदरणीय नेता सनत मल्ला मुकेश सहनी जी को देखने के लिए लाखों का भीड़ हो रही है, अभी पालीगंज, मोकामा, समस्तीपुर, तीन कार्यक्रम हमारा हुआ है, आप वीडियो फुटेज मंगवा के देख लीजिए, अरे किसी से भी चैनल में आप खोल के देख लीजिए, गूगल में सबसे ज़्यादा ट्रेंड करने वाली वीआईपी पार्टी है, किस तरह से भीड़ जुट रही है, उस भीड़ का कोई तुलना नहीं किया जा सकता है हमारे नेता को। जिस तरह से लोग मानने वाले लोग जो हैं, हमको भी इतना बिलीव नहीं था कि उतना बिलीव में जो है वो आगे। जिस तरह से जनसैलाब बहा, मतलब जनसैलाब लोगों का उभर रहा है। अच्छा, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले संकल्प यात्रा, 101 दिन का ये यात्रा, और इतनी भीड़, वो तो हम लोग मीडिया पर हम कई बार खबर भी चलाए हैं, तो ये क्या प्रधानमंत्री को संदेश दिया जा रहा है? अभी ये जो वीआईपी पार्टी का है, जो आप भी लोग कहते हैं कि वीआईपी पार्टी के पास परसेंटेज ऑफ वोट कम है, तो हम लोग अपनी ताकत को दिखा रहे हैं। वो ताकत जो है वो सामने वाला एहसास करे कि साहब हमारे पास वोट ऑफ परसेंटेज कितना है, हम 14% वोट में हैं, और कोई 4-5% वोट में है, कोई 3% वोट में है, तो हम अपनी ताकत को दिखा रहे हैं कि भाई हमारी वीआईपी की जो ताकत है वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने हम लोग रख रहे हैं, और निषाद आरक्षण की मांग कर रहे हैं। आरक्षण कौन देगा? आरक्षण देगा केंद्र, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी भेज चुके हैं अनुशंसा करके, झारखंड का भी आरक्षण, उत्तर प्रदेश का भी आरक्षण। उत्तर प्रदेश में भी 2022 के चुनाव में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भेज चुके हैं आरक्षण करने के लिए, और बहुत जगह उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था कि 2022 में हम आरक्षण की संकल्प ले रहे हैं और हम इसको अनुशंसा कर रहे हैं केंद्र को, अगर 2024 तक हम लागू नहीं करा देते हैं चुनाव तक, तो हम आपके पास वोट मांगने नहीं आएंगे, ऐसा भी बहुत जगह स्टेटमेंट है। मुझे उम्मीद है कि केंद्र जो है इस पर विचार कर रही है, और हमारी जो आज के दिन में ताकत का एहसास भी केंद्र को होगा, और हम जल्द आरक्षण इस लागू हो झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में, ये मुझे विश्वास है कि नवंबर से पहले इस आरक्षण केंद्र लागू करेगी। अगर ये बात आरक्षण नहीं मिलती है बिहार में, तो क्या आपकी पार्टी अकेले बिगुल फूकेगी? हम लोग बिगुल नहीं फूके क्या? बोचाहा चुनाव नहीं लड़े, सिमरी बख्तियारपुर नहीं लड़े, कुर्नी नहीं लड़े। हाँ, आज हमारे पार्टी में आज के दिन में अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, हमारे नेता आदरणीय सनत मल्ला मुकेश सहनी जी पे विश्वास कर रहे हैं, लोग देख के
आकर्षित हो रहे हैं, लोग उनका विश्वास जो कह मुकेश सहनी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और बाकी नेता क्या है नहीं है हम उस पर तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा नेता अगर कोई चीज़ में अगर वचन कर दिया तो उसको पूरा करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हमारे नेता को आज के दिन में मंत्रिमंडल का उतना ही शौक रहता तो हमारे मंत्रिमंडल से भारतीय जनता पार्टी जो है उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं करती। हमारे नेता शहीद हो गए, भाजपा ने उनको मंत्रिमंडल से बस बर्खास्त किया, तो भारतीय जनता पार्टी से हमको पूर्ण विश्वास है कि चुनाव नज़दीक है, हमारे ताकत को भाजपा भी देख रही है, महागठबंधन भी देख रही है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा जो मांग है निषाद आरक्षण उसको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस पर कुछ ना कुछ रिजल्ट मुझे आएगा, मुझे विश्वास है। कुछ नेता का कहना है कि अकेले लड़कर चिराग पासवान भी देखे हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी, इसका खमियाजा भुगत लिए हैं, और उपचुनाव की अगर मुकेश सहनी बात कर रहे हैं तो उपचुनाव और लोकसभा चुनाव में बहुत अंतर है, तो अगर लोकसभा चुनाव मुकेश सहनी अकेले लड़ते हैं तो उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आज हमारे पास 14% वोट है, हाँ ये ठीक है कि 14% वोट हमारा जहाँ जाके जुड़ेगा उसकी जीत सुनिश्चित है, ठीक है। आप सरकार बना सकते हैं बिगाड़ सकते हैं, हमारी ताकत जो है आज के दिन में कुर्णी उप जो चुनाव हुआ है उसके बाद हमारी ताकत और गोलबंद है। अति पिछड़ों का आज के दिन में नारा लग रहा है कि अति पिछड़ों की एक ही आवाज़ मुकेश सहनी जिंदाबाद, सारे जगह नारा लग रहा है, और हमारे नेता निषादों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, पूरे देश में निषादों का सबसे बड़ा नेता हम मानते हैं कि मुकेश सहनी जी हैं, तो इसमें इस बट नहीं है सामने वाले को, देखिए दुल्हा जो है हमारे नेता को नहीं बनना है, दुल्हा और कोई बनेगा, तो जिसको दुल्हा बनना है उसको चिंता करने की ज़रूरत है, हम लोग बहुत चिंतित नहीं है, हम लोग तो बाराती हैं, हम लोग तो बाराती में चले जाएंगे, हमारे नेता का जहां इशारा होगा हम लोग बाराती में बंडी कुर्ता पैजामा सिला के चल देंगे। हर वर्ग के लोग आपके पार्टी से जुड़ रहे हैं, क्षत्रिय भी जुड़ रहे हैं, कुशवाहा भी जुड़ रहे हैं, लेकिन आपके नेताजी सिर्फ निषादों की बात करते हैं, तो क्या जो अगले वर्ग का लोग है उनको बुरा नहीं लगता है? ऐसा है, हमारी पार्टी जो है निषाद बहुमूल्य पार्टी ही है, निषाद विकास संघ, निषाद जितने भी निषाद का जो बड़े बड़े संघ है उसमें आज के दिन में वो हमारे पार्टी को सपोर्ट किए हुए हैं, VIP को सपोर्ट किए हुए हैं, उत्तर प्रदेश में भी जो आपका निषाद का जो सबसे बड़ी पार्टी है जो संघ बनाए हुए हैं वो भी VIP को सपोर्ट की हुई है, झारखंड में भी जो बना हुआ था वो भी VIP को सपोर्ट की हुई है, बिहार में भी जो बना हुआ था उसको भी सपोर्ट की हुई थी। सबसे आश्चर्यजनक बात है, अभी आपका बापू समागार में कार्यक्रम था, केंद्रीय मंत्री आए हुए थे, तो आप 10 चैनल वाले लोगों ने जाके वहाँ पूछा, बड़े बड़े चैनल में चला कि भाई आपका नेता कौन है, तो सब कोई बोला कि सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी हैं। देखिए हम इस बट नहीं कर रहे हैं, VIP पार्टी जो है हर एक जाति को सम्मान करने वाली पार्टी है, हम लोग हर एक जात को धर्म को सम्मान करते हैं, और पार्टी की नारा भी है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये हमारे नेता हमेशा ये बात कहते हैं, लेकिन आज के दिन में निषादों का बल जो है सबसे बड़ा बल है, हर एक निषाद पूरे बिहार उत्तर प्रदेश झारखंड में गोलबंद है। जो VIP पार्टी के चाहने वाले हैं, सन ऑफ मला मुकेश सहनी को चाहने वाले हैं कि आखिर गठबंधन कब करेंगे? जब निषाद आरक्षण लागू हो जाएगा तो गठबंधन हो जाएगा, निषाद आरक्षण लागू, जो फिर से बोलना है जो VIP का निषाद आरक्षण का पक्षधर होगा, जो निषाद आरक्षण की बात करेगा, जो निषाद आरक्षण को जो पार्टी अगर गुनगुनाता भी है तो VIP का वो सबसे अच्छा दोस्त है। अगर आरक्षण मान लेती है BJP, केंद्र सरकार मान लेती है और सीटों को लेकर बात नहीं बनती है तो क्या गठबंधन होगा? बिना शर्त गठबंधन होगा BJP से। अगर भारतीय जनता पार्टी मान लेती है, आरक्षण दे देती है, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि VIP का बिना शर्त का गठबंधन होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो VIP पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति जी अपने बातों को रखे, अगर केंद्र सरकार आरक्षण देती है तो VIP सीटों को लेकर आनाकानी नहीं करेगी और सीधा गठबंधन करेगी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले VIP पार्टी क्या स्टैंड लेने वाली है, मुकेश सहनी क्या करने वाले हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। दीजिए हमें इजाज़त, धन्यवाद।